है रामघाट रोड पर, अतरौली से पहले पड़ता है मढ़ौली गांव, जहां पर श्रद्धेय कल्याण सिंह जी का जन्म हुआ था। एक किसान के यहाँ हुए, ये है कल्याण द्वार। ये वही कल्याण द्वार है जहाँ से एंट्री होती है माननीय कल्याण सिंह जी के गांव के लिए, घर के लिए। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको कल्याण सिंह जी के घर पर, गांव में अंदर। ये देखिए कल्याण सिंह जी के गांव में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसके जो सड़क है मेन, उसके दोनों तरफ किस तरीके से लहलहाते खेत हैं। इन खेतों से भी कल्याण सिंह जी का बहुत नाता रहा है, बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। आइए ले चलते हैं अंदर गांव में, गांव भी दिखाएंगे हम आपको, घर भी दिखाएंगे उनका। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के जो गांव की शुरुआत होती है, बिल्कुल घुसते ही यह गेस्ट हाउस पड़ता है सबसे पहले, और गेस्ट हाउस के ले जाओ। दूसरी तरफ देखिए ये जो निवासी हैं मढ़ौली के, तो उनके घर शुरू हो गए हैं। तो अब हम देखिए अंदर ले जा रहे हैं आपको, दिखाएंगे श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के गांव को घूम करके, क्योंकि अधिकतर मीडिया ने उनके गांव को अंदर से पूरा घूम करके नहीं दिखाया। हम दिखाएंगे, देखिए यहां से राइट के लिए एक ये चली जाती है, यहां पे भी कई घर हैं, और इधर से ये देखेंगे तो देखिए यहाँ भी इस तरफ कुछ घर हैं, और यहाँ से आगे प्राइमरी स्कूल है। और आगे इसके आगे ही प्राइमरी स्कूल भी है। और देखिए यहाँ से एंट्री करते हैं हम यहाँ पे, यहाँ के इस समय ग्राम प्रधान हैं बिजयपाल सिंह, उनका घर है। देखिए यह कल्याण सिंह के गांव के निवासी हैं। ये देखिए ये हैं कल्याण सिंह बाबूजी की, गांव की वो गलियां जिन पे बाबूजी खेले अपने दोस्तों के साथ, खूब आए प्रचार प्रसार किया, राजनीति में भी यहाँ से लेकर के पूरे विश्व में उन्होंने नाम किया। देखिए यह उनके गांव के ही के लोग हैं, घर भी हैं। आयाबदा न्यूज स्कैन के माध्यम से देख रहे हैं मढ़ौली यानी कि कल्याण सिंह बाबूजी के गांव को। देखिए पूरी सीमेंटेड सड़कें हैं, ये इधर से जाएंगे तो देखिए फिर, और इधर से ये कुछ ग्रामवासी हैं मढ़ौली गांव से। ये देखिए बाबूजी का गांव है, ये यहाँ के हेडपम्प, यहाँ की बकरियाँ, और यहाँ के ग्रामवासी। तो आइए अब ले चलते हैं बाबूजी के हम घर पर। ये जो सड़क जा रही है जैसा कि आप देख रहे हैं, यह बाबूजी के घर पर जा रही है, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ वह खेले, जहाँ पर उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की। आप ये सब देख रहे हैं द न्यूज स्कैन पर एक्सक्लूसिव। ये हैं मढ़ौली के निवासी, बाबूजी से इनका लगाव लगातार रहा। ये देखिए गली के मोड़ पर परचूनी की दुकान, और ये गली उन्हीं के घर की ओर जाती है। ये देखिए हम कल्याण सिंह जी के आवास की ओर जा रहे हैं, गांव में जो आवास। देखिए ये बड़े बूढ़े हैं, उनके साथी गण और मतलब गांव वासी। देखिए हम ले आए हैं श्रद्धेय बाबूजी कल्याण सिंह जी के घर पर, जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां वह खेले। देखिए यहां पर उनके जो साथी मतलब गांव वासी हैं, वह यहां पे इस समय एकत्र हैं। पुलिस की व्यवस्था भी चौकस है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों क्या बाबूजी कल्याण सिंह जी के बारे में कुछ जानते हो? कुछ तो बताओ, शर्माओ मत, कुछ बताओ बेटा, बताओ। जानते हो? क्या नाम है तुम्हारा? विष्णु। विष्णु। विष्णु कैसे जानते हो उन्हें, कैसे देखते, क्या जब वो यहाँ आते थे तब वो देखते थे? तो बताओ कुछ, इधर देखो, बताओ कुछ।
बच्चे अभी शर्मा रहे हैं, बच्चे खुश थे क्योंकि बताया जाता है कि बच्चों से भी वे बहुत प्यार करते थे, उन्हें संस्कार की कई बातें, नमस्ते करना इत्यादि सिखाते थे। ये देखिए कल्याण सिंह जी का घर आवास बिल्कुल पुराने ही, सभी पुताई। कल्याण सिंह जी के गांव को हम दिखा रहे थे लगातार, यहाँ की परचूनी की दुकान है, अपने परचूनी की दुकान है, और ये इस तरीके से गली, जो जो मैं आपको ये जो सड़क दिखा रहा हूँ ये बाबूजी के खेत की ओर जाती है, जहाँ उन्होंने किसानी की, खेती की, और वह खेती से हमेशा जुड़े रहे। मैं दिखा रहा हूँ बाबूजी का लगातार गांव, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के घर। रामा भैया, रामा, देखिए गांव में रामा परचूनी की दुकान में भी है लगातार। वही तो ये देखिए पथवारी गांव का बहुत प्रमुख स्थल होता है, इनका जो सौंदर्य है कल्याण सिंह जी के सुपुत्र राजवीर सिंह उठ राजू भैया ने ही कराया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं लगातार कल्याण सिंह जी का जो गांव है मढ़ौली उसको दिखा रहा हूं लगातार। यह है वहां का पथवारी, जो धार्मिक आयोजनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये देखिए भैंस पोए पूरी तरीके से, ग्रामीण परिवेश। बाबूजी ने भैंस पाले हो, बहुत बाबू शौक जी को बताते हैं भैंस पालने का भी बहुत शौक था, यानी कि किसानी भी करते थे और भैंस पोए भी पालते थे। ये देखिए हम लगातार कल्याण सिंह जी का गांव दिखा रहे हैं। ये देखिए मैं लगातार कल्याण सिंह जी के गांव को दिखा रहा हूँ, वहाँ के घरों को दिखा रहा हूँ, और बड़ी कवरेज द न्यूज स्कैन के माध्यम से हम दे रहे हैं। ये देखिए ये कल्याण सिंह जी के गांव का नज़ारा है। ये देखिए बच्चा झूला झूल रहा था अभी, परंतु शर्मा के अंदर अंदर घुस गए बच्चे। ये देखिए बच्चे झूल रहे हैं, ये कल्याण सिंह जी के गांव के बच्चे हैं ये। देखिए मैं लगातार कल्याण सिंह जी के गांव को दिखा रहा हूँ, वहाँ के घर, गलियाँ, सड़कें, वहाँ के लोग। ये देखिए बाबूजी के गांव में जो किसान है, देखिए महिलाएं भी इसमें कार्य करती हैं, खेती बाड़ी भी इस गांव में बहुत अच्छी है। पिताजी सो रहे हैं।